इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देखिए, जहां पर मां का मिलन नहीं हुआ, उन कांडों में दो श्लोक हैं, जुगल श्लोक हैं, और जहां राम लक्ष्मण जानकी तीनों लोग संग हैं, उसमें स्तुति के तीन, गोस्वामी जी का क्या प्रबंधन अद्भुत है, इसमें तीन श्लोक हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मासं भुफणीन्द्र सेव्य मनीषा वेदांत वेद्यम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोषं हरिं वंदे अहं करुणाकरं वंदे हम गोपाल भक्ति की कांक्षा भक्ति की चाहना गोस्वामी जी करते हैं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलांतरा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवनिर्भरामि कामादि दोषरहितं कुरु मानसं च कामादि दोषरहितं कुरु मानसं अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहं धनुजवन कृशान ज्ञानिनाम ग्रगण सकल गुण निधानं वारणाणादेशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमः रघुपति वर दूतं वात जातं नमः। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुनुम माया मनुष्यम हरिम, ऐसे परम प्रभु को गोस्वामी जी प्रणाम वंदन करते हैं। काम क्रोध मह मद मोह लोभ मत्सर से ये मन निर्मल हो, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च भक्ति प्रदान करिए और विकार से मुक्त करिए मन को। अगले तीसरे श्लोक में श्री हनुमान जी की अष्टमूर्ति का स्मरण करते हैं। अतुलित बल धामम
यह सुंदरकांड इन्हीं अष्टमूर्ति स्वरूप पर आधारित है। आप स्मरण करते चलेंगे तो चार चार चौपाई सबके लिए है। देखिए, अतुलित बल धामम, अतुलित बल धामम। जामवंत जी की बात बहुत अच्छी लगी श्री हनुमान जी को। सबको प्रणाम किए और कहे, तब लग मोहि परिखे उत्तम भाई, सहि दुख कंद मूल फल खाई, कब लग जब लग आमो सीतहि देखी। काज मुझे प्रसन्नता हो रही है, कार्य संपन्न होगा। मैंने परसों आपसे निवेदन किया था कि मन प्रसन्न न हो तो घर से बाहर कदापि नहीं निकलना चाहिए, बड़ा कष्ट होता है। थोड़ा बैठिए, थोड़ा चाय चुई पीजिए, मन को हल्का करिए। मन प्रसन्न हो तभी घर छोड़िए। रूखे मन से घर से बाहर निकले तो बनलो काम बिगड़ी। बहुत दिन हो गया गाया नहीं उसको। बिगड़ी बना द हमर सगरी हो, दशरथ जी के श्री हनुमान जी महाराज। जय ही गिर चरण दे गई हनुमंता, अमोघ रघुपति करवाना दे भाति चल हनुमान। जननिधि रघुपति दूत बिचारी, कै मैनाक होई समारी। हनुमान ते परसा करन गुण कीन बना, राम काज कीने बिनु मोहि काबिन्द्रा। अतुलित बल धामम पूर्ण हुआ। हनुमान जी जिस पर्वत से चले उसका नाम सुंदर पर्वत है। हनुमान जी जैसे उस पर दबाव बनाए, पाताल तक हलचल भई। जहगीर चरण दे हनुमंता, चले वो सो गा पाताल। पर्वत नहीं गया, हलचल गई पाताल तक। देवता लोग पाताल लोक में छिपे हैं, या तो मेरुगिरि गुहा में छिपते हैं अथवा पाताल भाग जाते हैं। आज की दृष्टि में पाताल माने अमेरिका। भारत यहां है, अमेरिका है, ग्लोब में नीचे है। 13 से लेकर 18 घंटे की यात्रा है भारत से, और वहां घूम के जाना पड़ता है, चाइना होकर के ही जाना पड़ता है। चक्र बहुत है, क्योंकि जहाज ये ध्यान रखता है कि जहां भी जाएं तो पानी जरूर पड़े, जल का केंद्र होना चाहिए। कभी उतरना पड़े तो उस जल में उतरा जाए। कौन उतरता है, कौन चढ़ता है, एक बार गए तो जय जय सीता राम। बट सावधानी तो रखनी चाहिए, रखते हैं। पाताल में हलचल गई तो देवताओं ने सर्पों की मां सुरसा जी से कहा, आप परीक्षा करो। मैनाक को तो प्रणाम करके हनुमान जी चल दिए। देखिए, परीक्षा कोई क्या करेगा, परीक्षक बहुत विवेकी होना चाहिए। परीक्षक समझदार होना चाहिए, परीक्षार्थी से भी तीक्ष्ण बुद्धि वाला होना चाहिए। सुरसा मैया परीक्षा लेने श्री हनुमान जी महाराज की आई तो कहती है, आज सुरन मोहि दीनी हरि। बोलने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि भगवान तो आए हैं विप्रधेन सुर संत हित। जैसे सुरसा जी ने कहा, देवताओं ने मुझे आहार दिया, हनुमान जी समझ गए कोई देवताओं का खेल है, आओ खेल लेते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा,
थोड़ा रुकिए, राम जी का कार्य करके आता हूँ, माता जी का पता प्रभु को बताता हूँ, फिर आपके मुख में मैं स्वयं आके प्रवेश कर जाऊँ। सुरसा बोली, बड़े चालाक हो, सामने आया भोजन कोई भेजता है? बाबा कहते, कौने वो जतन दे ही नहीं जाना। हनुमान जी समझ गए ये बिना परीक्षण के माने कि नहीं, तो बाबा बोले शुरू होइए। चलिए, जो जन भरते ही बदन महाराज ने बदन को फैलाया तो सुरसा भी आगे बढ़ी, हनुमान जी लघु रूप में आ गए। बदन प्रवेश किए, बाहर आकर के माई को प्रणाम किए, बागा विदा ताहि सिरुनामा। अनेक प्रश्न है लोगों के, श्री हनुमान जी क्यों नहीं 200 योजन? देखो, धरती से वहां की नाप की एक सीमा है, आकाश और धरा के मध्य का जो केंद्र है ना, जिसमें कल्पना चावला जी का जो विमान था वो उलझ गया था, गल गया था, वो केंद्र में सूर्य भगवान की किरणें तपती रहती हैं, 1000 डिग्री से भी अबव उनकी गर्मी होती है। यहां तो 100, 200, 300 तक लोहा पिघल जाता है, 100 डिग्री पड़ते पड़ते तवा लाल होने लगता है। और हनुमान जी सोचे उधर जाएंगे तो फिर सूर्य भगवान को भी कलेश दे क्या फायदा, प्रभु को पता चले क्या फायदा, इसलिए बदन पै ठिपुनी बाहर आवा मांगा विदा। क्योंकि श्री हनुमान जी खेल करने नहीं गए हैं, बल की आजमाइश देने नहीं गए हैं, हनुमान जी राम काज करने निकले हैं। तो जो लक्ष्य है उसकी ओर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, लक्ष्य बड़ा हो तो जीवन में भटकाव बहुत कम रखना चाहिए, इधर भी उधर भी ये भी ते भी कुछ नहीं, लक्ष्य श्रेष्ठतम चुनाव करें तो जीवन में साखान्वित होने से सावधान रहें। ये रिश्ता ये नाता मामा फूफा काका ताऊ पला और ब्याह बरात कुछ नहीं, एक लक्ष्य, एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।